विश्व के इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन जैसे विजेता हुए, मगर किसी को भी इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो सम्राट अशोक को प्राप्त है। एक ऐसा सम्राट जिन्होंने तलवार का त्याग विजित होने पर नहीं बल्कि विजेता होने पर किया। एच जे वेल्स ने लिखा है कि इतिहास में हजारों वर्णित राजाओं और महाराजाओं के बीच देवा नाम पी है, अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति अकेला चमक रहा है। बुलगा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत भी उनके बड़प्पन का बखान करते हैं। अशोक के जमाने में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब गण व्यवस्था थी, मगर इतिहासकार अशोक को कभी क्षत्रिय बताते हैं तो कभी शूद्र बताए जाने की खोज में लगे रहे और निरर्थक इतिहास के पन्ने पलटते रहते हैं। जो वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में थी ही नहीं, उसे खोजने की कोशिश ये जातिवादी मानसिकता का घोतक है। तब गण व्यवस्था थी और अशोक मौर्य गढ़ से आते थे, मगर इतिहासकार पुराणों को आधार बनाकर उन्हें शूद्र बनाने पर तुला हुआ है। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकार विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उनके साक्ष्यों से साबित करते हैं कि अशोक का राजवंश शूद्र था। वे ये मानकर चलते हैं कि विष्णु पुराण काफी प्राचीन है, इसलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में केंकिल राजाओं का वर्णन है और इन केंकिल राजाओं ने आंध्र देश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज्य किया था। जाहिर है कि विष्णु पुराण अशोक के सैकड़ों साल बाद लिखी गई किताब है। फिर तो विष्णु पुराण की टीका की बात ही मत कीजिए। सम्राट अशोक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवन की दास्तान पाली, तिब्बती, चीनी, बर्मी, सिंगल, थाई, लाहो, खोतानी अनेक भाषा ग्रंथ अपने अपने ढंग से सुनाते। कोई उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी तो कोई धम्मा बताता है। उसी प्रकार अशोक की पत्नी का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है, कहीं देवी तो कहीं पद्मावती तो और कहीं तिस्सरक्षिता मिलता है। मगर अशोक की रानी के अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम कालूबा की मिलता है, जो तीवर की माँ थी। हमारे यहाँ तिस्सरक्षिता को लेकर उनके साहित्य रचे गए, लेकिन कालूबाकी को लेकर साहित्य में कोई हलचल नहीं है, जबकि कालूबाकी का ही पुरातात्विक सबूत हमारे पास है। दुर्भाग्यवश अशोक के अभिलेख उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है, इसलिए अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को जानने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर ये साहित्यिक स्रोत अशोक के बारे में एक दूसरे से अलग अलग जानकारियां उपलब्ध कराते, जिससे सही तथ्य का पता लगाना कठिन हो जाता है। अशोक के अनेक अभिलेखों से अशोक के परिवार के कुछ एक सदस्यों का पता चलता है। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर, जो अम्पारा जिले के राजागाला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महिंद थेर श्रीलंका गए थे। धम्मलिपि और सिंगली भाषा में लिखा है कि ये स्तूप इदिरा, इथिया, थेर और महिंद थेर का है, जो इस भूमि के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ आए थे। लेकिन थेर महिंद श्रीलंका जाने के पहले पटना में कहाँ रहते थे, उसकी जांच लॉरेंस बॉर्डन ने 19वीं सदी की आखिरी दशक में की। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि पटना में जो भिकना पहाड़ी नामक मोहल्ला है, वहीं एक कृत्रिम पहाड़ी पर महिंद थेर रहते थे। भिकना पहाड़ी मोहल्ला का नाम भिकना कुंवर के नाम पर पड़ा है और भिकना कुंवर वास्तव में भिक्कू कुमार महिंद थे। जब लॉरेंस बॉर्डन पटना में जाँच के लिए पहुंचे थे, तब भिकना पहाड़ी पर भिकना कुंवर की पूजा होती थी। पटना का जो महेंद्रु घाट है, वो भी महिंद थेर की स्मृति कराता। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरारिया बौद्ध विहार है। पानगुरारिया में दो शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद है। उनकी भाषा प्राकृत और लिपि धम्मलिपि है। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संगमित्ता द्वारा दान किए जाने का विवरण अंकित है, जिसमें संगमित्ता की पुरातात्विक ऐतिहासिक पुष्टि होती है। यहाँ मौजूद अशोक के शिलालेखों पर जो प्रमुख बात लिखी है, वो ये कि राजा जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत बिहार में तब यात्रा की जब राजकुमार सम्ब को मानिम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। कुमार संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानिम देश सीहोर का इलाका रहा हो। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि राज परिवार के लोग जगह जगह पर पद स्थापित थे। सम्राट अशोक की एक बेटी भी थी, चारुवती। वो नेपाल के राजकुमार देवपाल खत्तिया से ब्याही गई। पति पत्नी दोनों बुद्धमार्गी थे। काठमांडू से सटे चावेल में चारुबाकी का स्तूप है। इसे आमतौर पर छंदोचत कहा जाता है, लेकिन ये स्तूप चारुवती का ही है, इसका सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साल 2003 में इस स्तूप का मरम्मत कार्य हो रहा था, तब 8.6 किलोग्राम की एक ईंट मिली। ईंट पर लिखा था चारुवती थूप, यानी ये चारुवती का स्तूप है। लिखावट के ऊपर धम्म चक्र बना है। चारुवती के जीवन के आखिरी दिन यहीं बीते थे। फिलहाल ये ईंट नेशनल म्यूजियम छावनी नेपाल में रखी है।
हमें अशोक विषयक साहित्य दास्तानों के प्रति सजग रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर दीपवंश और महावंश में जिक्र आता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, जबकि अनेक साहित्य और पुरातात्विक सबूत इसके खिलाफ है। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि अशोक ने एक लेख में अपने और अपने भाइयों के रनिवासों का और अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे और बाहर के नगरों में भी थे। अशोक ने इन रनिवासों की देखभाल के लिए धर्म महामात्र नामक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए थे। फायन ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजा अशोक का एक छोटा भाई था। अर्हत पद प्राप्त करने पर वह गृद्धकूट पर्वत पर था, एकांत और शांत स्थान में मग्न रहता था। राजा दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता था। इस प्रकार सिंगली अनुस्मृतियों पर आधारित अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात को पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत खारिज करते हैं। कोई शक नहीं है कि अशोक के और भी भाई रहे होंगे। उत्तराधिकार की लड़ाई भी असंभव नहीं है, मगर 99 भाइयों की हत्या की बात कहावती लगती है। ये गद्दी के लिए हुए कठिन संघर्ष का घोतक हो सकती है। जब पुरातात्विक साक्ष्य सम्राट अशोक द्वारा उनके 99 भाइयों की हत्या का कोई भी प्रमाण नहीं है, तो हम ये साहित्यिक रूप से मान ही नहीं सकते। राजगद्दी के लिए संघर्ष होना जायज है, लेकिन अपने ही 99 भाइयों की हत्या करना, ये कुछ जमता नहीं है। सम्राट अशोक के बारे में आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप हमारी वीडियोस को नहीं देखेंगे, आपको असल इतिहास का पता नहीं चलेगा। सम्राट अशोक के बारे में उनके अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से पुरातात्विक विभाग ने जो उनके सच्चे इतिहास को जनता के सामने लाया, उनसे डेडिकेटेड मैंने अलग ही वीडियो बनाई हुई। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा।